अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने आजकल सरोगेसी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि सरोगेसी होती क्या चीज़ है और ये कैसे प्रोसीजर होता है। सरोगेसी की दो टाइप्स होती हैं। आमतौर पर एक ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, मेडिकली इसको ट्रेडिशनल सरोगेसी में टर्म किया जाता है। सेकंड गेस्टेशन सरोगेसी होती है। अब इसको ये प्रोसीजर कैसा होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो माँ होती है वो बायोलॉजिकल मदर कहलाती है, जबकि गेस्टेशन सरोगेसी में एग कहीं से लिया जाता है और स्पर्म कहीं से लिया जाता है। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो एम्ब्रियो बनता है। जब ये एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो जाता है और सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है तो इसको सरोगेट मदर में इंसर्ट कर दिया जाता है और 9 माह फिर वो उसी के कोख में प्रवेश पाता है और बाद में वो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स को दे दिया जाता है। इसके ज़रिए जो लोग पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं किसी बीमारी की वजह से या जो सेकंड मैरिज नहीं करना चाहते हैं वो औलाद की नेमत से मालामाल हो जाते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही पेनफुल अमल है, कॉस्टली भी है और इमोशनली बहुत स्ट्रेसटेबल भी है, क्योंकि जो औरत 9 माह अपने कोख में बच्चे को रखती है वो इमोशनली इसके साथ अटैच हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आया ये इस्लाम में हराम है या हलाल है, तो इसको टोटली हराम करा दिया गया है। बेस्ट वे ये है कि आप दुआ से मदद मांगें और सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र से हर चीज़ का हल मुमकिन है। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी टिप के साथ या प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ या किसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Stay tuned with us and keep watching our videos. Allah Ta'ala हम सब की जिंदगियों में खुशियाँ और आसानियाँ लाए और जिन लोगों को औलाद नहीं है उनको औलाद ता फरमाए। आमीन सुमामीन।